खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। अपराधी ने 29 जुलाई को सत्यम ट्रेवल संचालक की पत्नी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के मुताबिक अपराधी को शॉर्ट एनकाउंटर में हिरासत में लिया गया है। अपराधी के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए जरायोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दरअसल अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देने में माहिर है। उसने सत्यम ट्रेवल संचालक के बेटे और उसकी पत्नी पर फायरिंग की थी। घटना में महिला की गोली लगने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को मौके के सीसीटीवी फुटेज मिले थे। पुलिस ने इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की। पुलिस अधीक्षक गंभीर सिंह का कहना है कि ट्रेवल संचालक की पत्नी की हत्या में कुल 3 अपराधी शामिल थे। पुलिस ने इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश जारी है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कंपू थाना क्षेत्र में जो शीतला माता रोड है, वहाँ पे सुबह लगभग 3:30 बजे पुलिस टीम के साथ एक एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में जो व्यक्ति घायल हुआ है उसको अस्पताल जीएस लेके आए, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आज पूरे ग्वालियर में कॉम्बिक अभियान चलाया गया था और कॉम्बिक अभियान का उद्देश्य यही था कि जो फरार बदमाश हैं, जो वारंटी है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेट नाइट क्राइम ब्रांच की टीम को ये सूचना मिली कि एक बदमाश है जो हत्या केस में फरार है और वो शिवपुरी लिंक रोड से होता हुआ शीतला माता रोड पर जाएगा। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी और उनकी 2 टीमें माउंट की गई। लगभग 3:30 बजे के आसपास ये जो बदमाश है वहाँ से मोटरसाइकिल से निकला, इसको रोकने की कोशिश की गई और रोकने की कोशिश के दौरान ही इसने अपनी गाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे डाल दी। पुलिस पार्टियों ने इसका पीछा किया और बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टियों पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने भी अपनी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई हैं, जिसमें गोली इसको लगी है और ये घायल हुआ है। इसको तत्काल जीएस हॉस्पिटल लाया गया। बदमाश की शिनाख्त आकाश जादौन के रूप में हुई है। आकाश जादौन मूलतः मुरैना सबलगढ़ का रहने वाला है। 29 तारीख को माधुवन थाना क्षेत्र में जो हत्या और लूट के प्रयास का घटना हुआ था, उस घटना के प्रमुख आरोपी है। तो अभी इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके बाद इस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।